हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी आलोचना में शुक्लोत्तर युगीन आलोचना के अंतर्गत डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 100 से अधिक रचनाओं का लेखन किया और उनमें से अधिकांशता आलोचना परक रचनाएं थी। भाषा, साहित्य, समाज, इतिहास, राजनीति आदि विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए या रचनाओं का मूल्यांकन किया। साहित्य के विषय में उनकी जो मान्यता थी, हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि सभी आलोचकों ने साहित्य के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर रामविलास शर्मा साहित्य को भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज और भौगोलिक परिवेश से बनने वाली जातीयता से जोड़कर देखते हैं। वे साहित्य को किसी कवि की ना निजी वैचारिक अभिव्यक्ति मानते हैं और ना कलात्मक मानकों की आनंदमयी चेतना मानते हैं। ये सब तत्व तो उसके स्वभाव से जुड़े रहते हैं कि कोई कवि की जो अपनी विचार है केवल उसकी अभिव्यक्ति ही साहित्य नहीं है, या केवल कलात्मक सौंदर्य प्रदान कर देना ही साहित्य नहीं है। ये सब तो एक कवि के स्वभाव से जुड़े रहते हैं। तो साहित्य तो भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज, भौगोलिक परिवेश, इन सब को मिला करके, इन सब की जातीयता से जोड़कर वे साहित्य को देखते हैं। साहित्य मूल रूप से अपने युग विशेष के सामाजिक प्रभावों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है, जिस पर रूपात्मक समीक्षकों की दृष्टि ही नहीं जाती। क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं, तो वे रचना का मूल्यांकन उनके युग विशेष से जोड़ करके करते हैं। तो वे साहित्य को भी मूल रूप से युग विशेष के सामाजिक प्रभावों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानते हैं। और वे कहते हैं कि अधिकांश जो रूपवादी समीक्षक हैं, उनकी दृष्टि उस समाज पर नहीं जाती है, सामाजिक प्रभावों पर नहीं जाती है। तो रचना का जो मूल्यांकन है वो युग विशेष के संदर्भ में ही करने के विचारक करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किसी इतिहास की रचना नहीं की। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, इस तरह से उन्होंने इतिहास लेखन किया, या डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया, पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कोई व्यवस्थित रूप से इतिहास लेखन नहीं किया। उनकी इतिहास विषयक अपनी एक मान्यता रही और वे उनके विभिन्न लेखों के माध्यम से विभिन्न आलोचना परक रचनाओं में मिलती है हमें। इतिहास विषयक जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की मान्यता है, अब हम उस पर बात करते हैं। वे भारतीय इतिहास की अनेक समस्याओं पर चिंतन करते हैं और उनका निदान खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं या वो बाहर से आए थे, ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वे बाहर से आए थे, पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, आर्य ही यहाँ के मूल निवासी थे। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का भी मत है कि आर्य पश्चिम एशिया या किसी दूसरे स्थान से भारत में नहीं आए हैं, बल्कि सच ये है कि वे भारत से पश्चिम एशिया की ओर गए हैं। हालांकि इनकी इस विचारधारा का कई आलोचकों ने खंडन भी किया, उनका विरोध भी किया, परंतु बड़े सशक्त प्रमाणों के साथ, तथ्य के साथ वे यही निश्चित करते हैं कि आर्य जो थे वो भारत के ही मूल निवासी थे और भारत से ही वे पश्चिम एशिया की ओर गए हैं। ऐसे ही जो इतिहास लेखन, हमारे भारतीय इतिहास लेखन
अंग्रेजों द्वारा किया गया, वे उसे एक षड्यंत्र मानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा लिखवाया गया जो भारतीय इतिहास है वो एक षड्यंत्र है। उनका कहना है कि यदि भारत के इतिहास का सही सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय इतिहास को नष्ट किया है, ऐसा करके ही वे इस महान राष्ट्र पर राज कर सकते हैं। तो ये अपने जो इतिहास की एक पहचान है उसकी ओर संकेत करते हैं। जड़ को इन्होंने देखा है कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास का, वे वास्तव में सही नहीं है, शुद्ध इतिहास नहीं है, और अंग्रेजों के षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है जिसे हम आज जान पा रहे हैं। तो अपने इतिहास को वास्तव में जानना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। साम्राज्यवादी यूरोप केंद्रित इतिहास दृष्टि का वे सशक्त खंडन करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है 1857 की राज्य क्रांति और मार्क्सवाद, और इस पुस्तक में वे स्पष्ट कहते हैं पता नहीं कैसे लोग औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से लिखे गए इतिहास पर विश्वास करते हैं। इसके लिए वे अशिक्षा को जिम्मेदार मानते हुए लिखते हैं, अंग्रेजी राज ने यहाँ शिक्षण व्यवस्था को मिटाया, हिंदुस्तानियों से एक रुपया ऐंठा तो उसमें से छदाम शिक्षा पर खर्च किया, उस पर भी अनेक इतिहासकार अंग्रेजों पर बलि बलि जाते हैं। तो इस तरह से इतिहास के लिए भी कहते हैं मौलिक दृष्टि की आवश्यकता है। एक जो साम्राज्यवादी यूरोप केंद्रित इतिहास दृष्टि है उसका, उसके आधार पर जो भारतीय इतिहास लिखा गया है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और हम उसको सत्य मान रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो उसके पीछे मूल कारण वे भारतीयों की अशिक्षा को मानते रहे हैं कि अंग्रेजी राज ने यहाँ शिक्षण व्यवस्था को ही मिटा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि हम अपने जो प्राचीन पुरातन संस्कृति थी उसको भुला बैठे, अपना जो पुराना इतिहास था उसको भुला बैठे, और अंग्रेजों ने जो लिख दिया उसको ही हम आज सत्य मान रहे हैं। तो हमें अपनी दृष्टि को, अपनी इतिहास दृष्टि को परिवर्तित करना होगा। समाज के सामने जो सत्य है उसको पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से पुनः स्थापित करना होगा। इसी तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी के अनेक साहित्यकारों को केंद्र में रख करके आलोचना परक रचनाएं लिखी। सर्वप्रथम उन्होंने भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए, क्योंकि भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता, उनके प्रवर्तक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य में नव जागरण लाने का श्रेय भारतेंदु को जाता है। तो भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए, उनकी रचनाओं को केंद्र में रखते हुए रामविलास शर्मा जी द्वारा भारतेंदु युग नाम से पहले एक पुस्तक लिखी गई 1943 में, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र 1966 में लिखी, फिर भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 में इस पुस्तक का लेखन किया, और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्याएं 1985 में। तो निरंतर 1943 से लेकर 1985 तक वे भारतेंदु और भारतेंदु मंडल की रचनाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनकी विचार दृष्टि को समझते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ही सर्वप्रथम भारतेंदु युग की नव जनवादी चेतना को विस्तार से रेखांकित किया और उसे हिंदी जाति के नव जागरण से जोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रशंसा करते हुए भी कहते हैं कि नींद से उठने वाली एक नई जाति का जय घोष उसमें सुनाई देता है। उससे पहले, भारतेंदु से पहले साहित्य समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। भक्ति काल में भक्ति की भावना प्रधान थी, साहित्य भक्ति से प्रेरित था,
समाज के सुख दुख वहां उस रूप में नहीं आए। रीतिकाल तो पूरी तरह से सामंतवादी प्रवृत्ति को केंद्र में रखकर लिखा गया साहित्य था, जहां समाज के सुख दुख का पूर्णतया अभाव मिलता है और एक तरह से पूरी नींद में सोए हुए जाती थी। तो उनको जगाने का उनका जय घोष जो है वो भारतेंदु युगीन रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो जनवादी चेतना है इसको रेखांकित करने का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया और उन्होंने भारतेंदु की रचनाओं का एक मूल्यांकन किया। इसी तरह से हिंदी साहित्य जगत में नव जागरण को आगे पुनरुत्थान करने वाले, पुनर्सुधार करने वाले, भाषा के संदर्भ में साहित्य के स्तर पर हिंदी को विकसित करने वाले साहित्यकारों में, इतिहासकारों में मुख्य नाम रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो उनके विचारधारा को देखने के लिए उनका मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पुस्तक लिखी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इस रचना में शर्मा जी ने समसामयिक जीवन में उभरती नव जागरण की लोक चेतना के स्वरों को प्राथमिकता के साथ स्थापित किया कि जो नव जागरण की चेतना का स्वर प्रारंभ हुआ था, बीज रूप में प्रारंभ हुआ था भारतेंदु युग में, उसको स्थापित करने का प्रयास जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी विषयक जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की मान्यता है, वे कहते हैं कि द्विवेदी जी के महत्व का आंकलन वे इस संदर्भ में नहीं करते कि उन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य को स्तरीय गति दी, अपितु वे उनका मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि साहित्य इतर विषयों जिनका संबंध उस समय की जन आकांक्षा से था और जिसे जानने के लिए भारतवासी उत्सुक थे, यथा संपत्ति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ज्योतिष, समाजशास्त्र आदि के लेखन द्वारा उन्होंने नए समाज की रचना का आधार देने का प्रयास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विभिन्न विषयों को केंद्र बनाया। वे इतिहास की बात भी करते हैं, भूगोल को भी लाए, विज्ञान को भी लाए, ज्योतिष शास्त्र की भी, तो उनका विषय वैविध्य अधिक रहा। भाषा के संदर्भ में, हिंदी साहित्य के संदर्भ में उनको एक स्तर प्रदान करने का उत्कृष्ट कार्य द्विवेदी जी द्वारा किया गया। उनके सामने जो रचनाएं आती थी उनकी वर्तनीगत अशुद्धियों को दूर करते थे, उनकी भाषिक सौंदर्य में निखार लाने का कार्य या साहित्य में जो एक स्तर लाने का कार्य, वे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया ही गया। उन्होंने साहित्य इतर विषयों पर भी लेखनी लिखी और भारतवासियों को उनसे परिचित कराने का कार्य किया कि भारतीयों को उन सब को भी जानना चाहिए, संपत्ति शास्त्र के बारे में, भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, ज्योतिष शास्त्र आदि के बारे में। तो इस तरह से विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों को समाज के सामने लाने का एक जो सराहनीय कार्य, एक महती कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया, उसको उसकी प्रशंसा डॉक्टर रामविलास शर्मा करते हैं। वे उनके इस नव मार्ग के प्रशस्तीकरण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं इस तरह की तैयारी उनसे पहले किसी संपादक या साहित्यकार ने नहीं की थी। परिणाम ये हुआ कि हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति सिद्ध हुए। कि इससे पूर्व विभिन्न विषयों पर किसी साहित्यकार का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, ज्योतिष पर, विज्ञान पर, भूगोल पर, इतिहास पर, किसी अन्य साहित्यकार, चाहे भूगोल भारतेंदु युग के हम कवियों को देखते हैं, साहित्यकारों को देखते हैं, भले ही वे संपादक रहे, पत्रकार रहे और उनका हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में
आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में विशेष योगदान रहा, परंतु विषय वैविध्य वहाँ नहीं मिलता। और ये वैविध्य और ये समाज के सामने लाने का श्रेयस कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। तो इस तरह से एक नव मार्ग का जो प्रशस्तीकरण हुआ, उसकी प्रशंसा डॉक्टर रामविलास शर्मा उनकी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण में करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर रामविलास शर्मा मुंशी प्रेमचंद से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। प्रेमचंद को केंद्र में रखते हुए, उनकी रचनाओं, उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों को केंद्र में रखते हुए इन्होंने अनेक आलोचना परक ग्रंथों की रचना की। 1940 में प्रेमचंद, 1953 में प्रेमचंद और उनका युग इनकी रचना की, ये उसका परिवर्धित संशोधित संस्करण था जो 1940 में प्रेमचंद लिखा, और उसके पश्चात 1953 में उसी को परिवर्धित संशोधित करते हुए दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ प्रेमचंद और उनका युग नाम से। और प्रेमचंद की आलोचना करने वाला पूरा एक खेमा तैयार था, उसके विरुद्ध एक प्रतिकारात्मक उत्साह हमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना में, उनकी इस दोनों आलोचनात्मक कृतियों में दिखाई देता है। प्रेमचंद ने जिस तरह से सामाजिक यथार्थ को अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किया, उस सामाजिक यथार्थ को समाज के सामने लाने का कार्य, उनकी रचनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य, और मुंशी प्रेमचंद को एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में स्थापित करने का कार्य डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया। प्रेमचंद की सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को इस पुस्तक में पहली बार डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा उद्घाटित किया गया। रामविलास जी ने उन रचनाकारों के महत्व की स्थापना की जो किसी न किसी रूप में साहित्य की जनवादी परंपरा से जुड़े हुए थे। जैसे पहले उन्होंने भारतेंदु की प्रशंसा की, उनके रचना को महत्व दिया, इसी तरह से वे प्रेमचंद की साहित्य को भी जनवादी परंपरा से जुड़ा हुआ मानते हैं। और उन रचनाकारों में, जनवादी परंपरा के रचनाकारों में प्रेमचंद का नाम वे अग्रगण्य मानते हैं। और डॉक्टर शर्मा ने सेवा सदन को, नारी पराधीनता को उजागर करने वाला उपन्यास माना जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास गोदान है, उसे वे ग्रामीण और शहरी कथाओं की, मेहनत और मुनाफे की दुनिया का अंतर बताने वाला माना। तो इस तरह से डॉक्टर शर्मा प्रेमचंद युगीन यथार्थ और लोक संकट को सही पकड़ करके उससे मुक्ति दिलाने वाले लेखकों की जिस नस को पकड़ते हैं, वे व्यवहार एवं दिखावे के फैशन से जुड़ा युगीन संदर्भ मात्र नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक आलोचना परक रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है उनकी। इसमें वे कहते हैं कि अपने युग की निर्धनता, दासता और पीड़ितों की अति वेदना का जैसा उन्होंने अनुभव किया है, वैसा दूसरे ने नहीं। जैसे मुंशी प्रेमचंद गोदान में या गबन आदि में एक और पूरा शोषक वर्ग दिखाते हैं, जमींदार वर्ग है, धनी वर्ग है, और दूसरी तरफ शोषित वर्ग में श्रमिक है, किसान है, मजदूर है, जो पूरी तरह से दासता की पीढ़ी झेल रहा है। तो उस अनुभव को, उनकी वेदना को जो मुंशी प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं, वैसा किसी दूसरे साहित्यकार ने नहीं किया। तो अपने युग की निर्धनता, दासता और पीड़ितों की अति वेदना का जैसा उन्होंने अनुभव किया है, वैसा दूसरे ने नहीं। तो प्रेमचंद की कृतियों का हमारे सामने यह संदेश है कि हम जनता में आकर रहें और काम करें, अपनी रचनाओं में जनता जनता कम चिल्लाए। ये एक तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा उन साहित्यकारों पर व्यंग्य करते हैं जो
ड्राइंग रूम में बैठ करके किसानों की समस्या की बात करते हैं, श्रमिकों के शोषण की बात करते हैं। वे कहते हैं साहित्यकार यथार्थ को तभी प्रस्तुत कर सकता है, वे संवेदना को तभी जागृत कर सकता है जब वे जनता के बीच में आकर रहता है, जब वे जनता के साथ रहकर काम करता है, उनकी संवेदना को समझता है। केवल अपनी रचनाओं में वे जनता जनता अगर चिल्लाता है तो वे रचना प्रभावी नहीं हो सकती। तो मुंशी प्रेमचंद ने स्वयं उस यातना को, उस यंत्रणा को झेला, वे स्वयं उसका भाग बने, और उसको जब वे प्रस्तुत करते हैं तो वे संवेदना, वे वेदना हम सबको, पाठकों को प्रभावित करती है। तो इस तरह से साहित्यकारों को वे संदेश भी देते हैं, आलोचकों के लिए भी एक संदेश भी देते हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब समीक्षा जगत में अपनी व्यावहारिक समीक्षा को लेकर या सैद्धांतिक समीक्षा को लेकर के आए तो उनका समर्थन भी बहुत हुआ, उनकी प्रशंसा भी बहुत हुई, उनको एक आदर्श भी माना गया और उसका विरोध भी बड़ा हुआ। अनेक परवर्ती आलोचक ऐसे आए जो उनके द्वारा स्थापित किए गए मान्यताओं को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। सर्वप्रथम तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन ही नहीं किया, उनसे टक्कर लेते हुए अपने नवीन मान्यताएं प्रस्तुत की। इसी तरह से नंद दुलारे वाजपेयी जी आए, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, छायावाद की जो रहस्यवादिता है, छायावाद में जो अतीन्द्रियता है, वे उसको उचित नहीं मानते हैं, वे उस पर आक्षेप करते हैं। पर छायावाद की को प्रतिष्ठापित करने के लिए, छायावाद की नवीन जो सौंदर्य दृष्टि थी उसको समाज के सामने लाने के लिए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी पर नंद दुलारे वाजपेयी आगे आते हैं और वे सौंदर्यवादी दृष्टि से समीक्षा करते हुए शुक्ल जी पर अनेक आरोप लगाते हैं। और परवर्ती काल में जो प्रगतिवादी समीक्षा का है, प्रकाश चंद्र गुप्त या शिवदान सिंह चौहान आदि भी, उन्होंने भी शुक्ल जी पर अनेक आरोप लगाए, उनकी विचारधारा का खंडन किया। पर डॉक्टर रामविलास शर्मा शुक्ल जी को यथार्थवाद से जोड़ करके उनकी प्रासंगिकता और महत्ता का जोरदार रेखांकन करते हैं। वे शुक्ल जी की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये पुस्तक लिखते हैं और शुक्ल जी को यथार्थवाद से जोड़ते हैं और शुक्ल जी की एक समीक्षक के रूप में उनकी महत्ता का को रेखांकित करते हैं। शुक्ल जी के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की जो मान्यता है, वे कहते हैं कि शुक्ल जी सुसंगत ढंग से भौतिकवादी नहीं है, हैं वे भाववादी ही पर वस्तुनिष्ठ भाववादी, अतः उन्होंने भौतिकता पर बल देकर अध्यात्म, रहस्य, कलावाद आदि का खंडन किया है। वे साम्राज्यवाद, सामंतवाद और रीतिवाद से साहित्य को मुक्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो साम्राज्यवादी, सामंतवादी, रीतिवादी प्रवृत्तियां साहित्यकारों को प्रभावित कर रही थी और जिससे साहित्य रचा गया था, तो उसका खंडन शुक्ल जी करते हैं। और यही विचारधारा डॉक्टर रामविलास शर्मा की भी थी, वे भी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, सामंतवाद और रीतिवाद का विरोध करते हैं, वे भी साम्यवाद की बात करते हैं, समाज युग के संदर्भ में रचना का मूल्यांकन करते हैं। तो इस यहाँ पर वे शुक्ल जी की विचारधारा से मेल खाते हैं, इसलिए वे शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए सामाजिक इतिहास धारा तथा युग के साथ समीक्षक शुक्ल के संदर्भों को जोड़कर एक नई समीक्षा दृष्टि की बात करते हैं कि शुक्ल जी एक नई ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उससे एक नई समीक्षा दृष्टि बनती है और उसका समर्थन, उसकी प्रशंसा डॉक्टर शर्मा करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने
निराला जी को भी केंद्र में रखते हुए, निराला उनके प्रिय कवि रहे और उन्होंने आलोचना में साहित्य में, साहित्य लेखन के क्षेत्र में वे आए ही निराला के प्रभाव में आने के कारण है। निराला की साहित्य साधना इस नाम से उन्होंने 3 भागों में पुस्तक लिखी और ये पुस्तक उनके साहित्य की आलोचना नहीं है, उनके पारस्परिक सामाजिक परिवेश से, उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों से, उनके जीवन के बाह्य रूपों के साथ उनके अंतर जगत से पाठकों को परिचित कराना मेरा उद्देश्य है। इस पुस्तक की भूमिका में ही डॉक्टर शर्मा स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि निराला जी के विषय में भी आलोचकों के, साहित्यकारों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। कुछ आलोचक, कुछ साहित्यकार उनके समकालीन भी एक और निराला के इतने प्रशंसक रहे और निराला को आलोचना भी बहुत सहनी करनी पड़ी। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी निराला को अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। अपने समकालीन परिवेश में अपने समकालीन साहित्यकारों द्वारा भी उन्हें अनेक आक्षेपों का, आरोपों का सामना करना पड़ा। तो उनके जीवन के जो बाह्य रूप था उसके साथ साथ निराला जी के जो अंतर जगत था उससे भी पाठकों को परिचित कराना ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का उद्देश्य था, जिसको केंद्र में रखते हुए उन्होंने निराला की साहित्य साधना इस पुस्तक की रचना की। निराला विषयक जो उनके विचार हैं, हिंदी में प्रायः निराला शक्ति, ऊर्जा तथा ओज के रचनाकार माने गए हैं, किंतु डॉक्टर शर्मा ने उनके साहित्य का विश्लेषण करते हुए करुणा को उसके मूल भाव के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा उन्हें पश्चिम की महान ट्रेजेडी लेखन की परंपरा से संबद्ध किया। कि वे केवल शक्ति, ऊर्जा और ओज के रचनाकार ही नहीं है, वे उनका मूल भाव करुणा है। ट्रेजिक सेंस की दृष्टि से वे उनकी तुलना वाल्मीकि से, भवभूति से, तुलसी से करते हैं और समग्रता की दृष्टि से निराला जी की तुलना वे टैगोर, तुलसी और सूरदास से करते हैं। तो इस तरह से एक समग्रता में वे निराला जी को देखते हैं, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। परिवेश, परंपरा, कला तथा भाषा के संपूर्ण प्रतिमानों को बड़ी सजीवता के साथ जोड़कर निराला के वैशिष्ट्य को रेखांकित करना तथा उनके कवि व्यक्तित्व के साथ आत्मीयता जोड़ते हुए पाठक को उस आत्मीयता का अभिन्न अंग बना लेना इनकी आलोचना कला का वैशिष्ट्य है। तो इस तरह से निराला को हिंदी साहित्य जगत में प्रतिस्थापित करने का श्रेयस कार्य भी डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया। तो इस तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी आलोचनात्मक विवेक को धारण करते हुए हिंदी साहित्य जगत के अनेक रचनाकारों की रचनाओं का, भाषा का, साहित्य का, संस्कृति का, इतिहास का मूल्यांकन किया। तो आज हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि पर, उनकी आलोचना दृष्टि पर चिंतन किया। धन्यवाद।